लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व एक्शन में है। गुरुवार की देर रात आदेश जारी करके बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने न सिर्फ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के स्थान पर मदन राठौर को नियुक्त किया, बल्कि पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनावों के निराशाजनक नतीजों के चल रही चुप्पी को तोड़ते हुए ये संदेश दे दिया कि परफॉर्मेंस ही शीर्ष तक पहुँचने की चाबी है, बाकी कुछ नहीं। हालांकि निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जोशी पिछले 6 महीने में 3 बार अपने इस्तीफे की पेशकश खुद ही कर चुके हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। दूसरी बार लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद भी उन्होंने ये इस्तीफा देने की बात कही थी। जोशी को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वो मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद लोकसभा चुनावों के वक्त भी चर्चा जोरों पर थी। जोशी को केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता था, परंतु मंत्रिमंडल में भी जोशी को स्थान नहीं मिला। ऐसे में खबर सामने आई थी कि अब 3 दिन पहले सीपी जोशी ने तीसरी बार इस्तीफे की पेशकश की। पिछली 2 बार इस्तीफा देने की खबर को सार्वजनिक नहीं किया गया था, जबकि तीसरी बार की जो खबर थी वो जोशी के नजदीकियों द्वारा सार्वजनिक की गई और इस खबर की पुष्टि भी हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में अब सवाल ये उठता है कि क्या तीसरी बार सीपी जोशी ने खुद इस्तीफा दिया या फिर इस बार मांग लिया गया। ये प्रश्न इसलिए भी उभर कर सामने आ रहा है क्योंकि खबर जब ये चर्चा में आई तो उसके कुछ घंटों बाद ही भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपनी सभी कार्रवाई तैयारी पूरी कर चुका था मदन राठौर के रूप में, और उसके बाद महज घोषणा हुई। इस बार प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश के बड़े नेताओं से राय तक नहीं ली गई। केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बीजेपी इस बार फिर परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी की तरह ही काम करना चाहती है, न कि सिफारिशी पार्टी की तरह। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक नतीजे आने के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आने से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भी एक असमंजस का माहौल था। सभी जगह दबी जुबान ही सही, चर्चा तेज थी। क्या प्रदेश में नेतृत्व में कोई बदलाव होगा? हार की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्रीय नेतृत्व इस हार के लिए किसको जिम्मेदार बताएगा? ये और इस तरह के तमाम सवाल कार्यकर्ताओं के मन में थे। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देकर पार्टी में हलचल मचा दी थी। हार के लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी तरह जिम्मेदारी लेते हुए आगे आना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए, ये बात भी कही थी। हालांकि मीणा को भी इस्तीफा देने से कई बार रोकने का प्रयास किया गया, परंतु ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि विपक्ष के बार बार घेरने के बाद चाहकर भी किरोड़ी मल का इस्तीफा मंजूर ही किया गया, या यूं कहें कि इस्तीफा देने से उन्हें रोका नहीं गया। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के साथ ही यह तय हो चुका था कि प्रदेश में जल्द ही बहुत बड़ा बदलाव देखने मिलेगा, और एक बार फिर यही खबर आई। आपको याद होगा अमर उजाला ने ही 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई वृहद कार्य समिति के आयोजन को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल का आखिरी बड़ा कार्यक्रम बताया था। हमने इस पर पहले ही आपको सूचित कर दिया था, या यूं कहें कि हिंट दे दी थी। जोशी के करीबियों द्वारा भी ये कहा गया था कि वो अभी हटने वाले नहीं हैं, लेकिन अमर उजाला ने ये खबर दिखाई थी और 10 दिन के भीतर ही सीपी जोशी ने अपना इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया, जिसे तुरंत प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया गया और नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी हो गई। आने वाले 3 महीनों में से 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले बाय इलेक्शंस उपचुनाव को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व सजग है। राजस्थान वो राज्य रहा जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजे उस तरह के नहीं आए जो कि बीजेपी सोच रही थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान दोनों ने ही बीजेपी को धक्का पहुंचाया। फिलहाल सूत्र ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस देने पर ही बीजेपी में गुजर बसर अब संभव है। जैसा कि नजर भी आ रहा है कि मदन राठौर नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, अपनी टीम बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, इसलिए आने वाले उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा के कंधों पर है। अब इन 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का सहरा भजन लाल शर्मा के सिर बंधेगा, तो हार की नैतिक जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री लेंगे। अगर बीजेपी परफॉर्मेंस आधारित काम पर ही चलने वाली है तो भविष्य में प्रदेश में और भी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। इस बदलाव को सामान्य नहीं देखा जा सकता, खासतौर से तब जब आने वाले महीनों में 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।